हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नोएडा जॉब्स इंफॉर्मेशन में। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए जॉब्स की अपडेट लेके आया हूँ, जिसमें हम जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे, वो कंपनी बहुत ही बढ़िया कंपनी है और आपको उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो में कुछ मैं ऐसे पॉइंट बताऊँगा जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे, जिससे आप जो है आप अपने इंटरव्यू किस प्रकार से अच्छी तरह से दे पाएंगे, या मतलब आपको जो है वहाँ पे अपना रिज्यूम किस प्रकार से लेके जाना है, ये सारी जानकारी आज मैं देने वाला हूँ और जॉब्स की अपडेट भी साथ में देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। ठीक है दोस्तों, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, प्लीज़ वीडियो को शेयर किया करें, जिससे उन लोगों को भी जानकारी हो सके जो लोग जॉब्स की अपडेट जितने नहीं मिल पाती है, या जो लोग नोएडा में काफ़ी समय से घूम रहे हैं लेकिन उन्हें जॉब की कोई भी जानकारी नहीं है। तो आप उस बंदे तक हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिए जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि आपको मोबाइल कंपनी में भर्ती निकालेगी, किस मोबाइल कंपनी में है। तो ये मोबाइल कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कि कहाँ पे है, ये है आपकी काशना में है, काशना ग्रेटर नोएडा। कहाँ पे? काशना ग्रेटर नोएडा में ये कंपनी है, इसमें भर्ती निकाली गई है। ठीक है, ये फैक्ट्री की लोकेशन दे रखी है काशना में। ठीक है, इस जगह पे फैक्ट्री है। ठीक है, इंटरव्यू कहाँ होगा वो दूसरी जगह पे होगा, और ये फैक्ट्री की लोकेशन आप लोगों को फैक्ट्री का एड्रेस ये है, इस जगह पे आपका जो है आपको जॉब करनी होगी। ठीक है, तो इसमें दे रखा है कि हम केवल उन उम्मीदवारों से अनुरोध करते हैं जो कि साक्षात्कार का विवरण के लिए कॉल करें, जो इस नौकरी में रुचि रखते हैं। यानी कि मैं आपको अभी एक नंबर दूंगा नीचे, उस नंबर पे आपको करनी है कॉल। जब आप उस पर कॉल करोगे तो उस पर वो सारी डिटेल्स जो आप लोगों की जानकारी ले लेंगे। ठीक है, तो ये भर्ती कब के लिए होनी, पहले तो मैं ये बता दूँगा आप लोगों को, ये भर्ती होनी है 7 जुलाई के लिए। यानी कि 7 जुलाई, आप 7 जुलाई को आपका इंटरव्यू होगा। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है उसमें भर्ती है। ठीक है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भर्ती है। और अब मैं इसमें बात करूँ किस डिपार्टमेंट के लिए है, तो ये डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए ले रही है। किस डिपार्टमेंट के लिए? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए, जिसमें किस किस लोगों को लिया जा रहा है, जिन लोगों के पास टेंथ प्लस या फिर ट्वेल्थ हो, यानी कि हाई स्कूल पास भी बंदे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जा सकते हैं। ठीक है, और जिन लोगों के पास ट्वेल्थ है वो भी इसमें जा सकते हैं। सैलरी की बात करूं तो सैलरी क्या है, सैलरी जो है 8 घंटे की आप लोगों की जो सैलरी है वो कितनी है, वो 9078 रुपये आप लोगों की क्या है, सैलरी है। ठीक है, कितनी है, 9078 रुपये। ठीक है, और अटेंडेंस अवार्ड की अगर इसमें बात करूँ तो अटेंडेंस अवार्ड कितना है आप लोगों के लिए, 700 रुपये इसमें आप लोगों के लिए अटेंडेंस अवार्ड रखा गया है। और ओवर टाइम की बात करूँ तो ये यहाँ पे है डबल ओवर टाइम। ठीक है, डबल ओवर टाइम की सुविधा है, 8 घंटे की जॉब करनी है आपको, 9078 रुपये आप लोगों को इसमें सैलरी दी जाएगी। कैंटीन की सुविधा इसमें फ्री है आप लोगों के लिए, कैंटीन की सुविधा क्या है, फ्री है। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें जो है जाना है, बस की सुविधा अवेलेबल है इसमें, जो कि बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सेकंड डिपार्टमेंट है, ये है क्वालिटी। अभी जो बात की थी वो प्रोडक्शन के लिए बात की थी, तो ये क्या है, क्वालिटी डिपार्टमेंट है, क्वालिटी इंस्पेक्टर के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, जिन लोगों के पास 1 साल या 1 साल से अधिक का जो भी एक्सपीरियंस है वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वालिटी के लिए है, क्वालिटी इंस्पेक्टर, क्योंकि क्वालिटी में वही लोग जाते हैं जिन लोगों को जो है जानकारी हो पहले से, क्योंकि हर एक चीज़ के बारे में अगर आपको जिस चीज़ में आप काम कर रहे हैं उसके बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो कोई भी कंपनी आपको नहीं रखेगी। तो वो इसलिए आप लोगों से एक्सपीरियंस की मांग करते हैं कि आप लोगों को एक्सपीरियंस है या अभी नहीं। ठीक है, किसी भी कंपनी में आप यह करके आए हों, वहाँ से आपका एक्सपीरियंस लेटर है आपके पास या नहीं है, या फिर आप जानते, चलो एक्सपीरियंस लेटर नहीं है आपके पास लेकिन जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि कंपनी किसी भी चीज़ को घाटे में थोड़ा ना लेगी। ठीक है,
क्योंकि जब वो कोई प्रोडक्ट को क्वालिटी के लिए आप लोग रख रही है वहाँ पे, तो आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, कि आप उसके बारे में किस प्रकार की जानकारी रखते हैं। एक्चुअली में आप क्वालिटी के लिए रखे जा रहे हैं, तो क्या आप क्वालिटी के बारे में जानते भी हैं क्या या नहीं, ठीक है। तो आप उसके बारे में जानकारी लें, अगर आप जानकारी यूट्यूब से या जिस भी माध्यम से आप जानकारी लेना चाहते हैं वहाँ से आप जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं क्वालिटी के लिए, ठीक है, क्या क्या चेक करना पड़ता है वहाँ पर। तो मैं ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे आपको इनके बारे में बता दूँ, क्वालिटी के लिए ले रही है ये वाली, ठीक है, क्वालिटी डिपार्टमेंट के लिए, जिसमें 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है, 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है क्वालिटी डिपार्टमेंट के लिए। अब सैलरी की बात करूँ तो इसमें सैलरी कितनी होगी, तो सैलरी आप लोगों की इसमें थोड़ी अच्छी सैलरी है, 11,000 रुपये, यानी 11,185 रुपये आप लोगों की क्या है इसमें, 8 घंटे की सैलरी है, मात्र 8 घंटे की सैलरी 11,185 रुपये, बहुत ही अच्छी सैलरी दोस्तों आज के समय में, और वो भी प्राइवेट कंपनी में 11,185 रुपये मात्र 8 घंटे के आप लोगों को मिल रहा है। इसमें अटेंडेंस अवार्ड कितना है, इसमें अटेंडेंस अवार्ड है आप लोगों का कितना है, 700 रुपये, कितना अटेंडेंस अवार्ड है, 700 रुपये। ओवर टाइम की सुविधा की बात करूँ तो ओवर टाइम इसमें डबल है दोस्तों, डबल ओवर टाइम दिया जा रहा है इसमें, क्या दिया जा रहा है, डबल ओवर टाइम, ठीक है। अगली मैं बात करूँ कैंटीन और बस की सुविधा आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है, क्या है, कैंटीन की सुविधा और बस की सुविधा आप लोगों के लिए क्या है, बिल्कुल फ्री, ठीक है, ये दोनों आप लोगों के लिए क्या है, बिल्कुल फ्री। तो चलते हैं आगे, नेक्स्ट इसमें दे रखा है बैंक अकाउंट के साथ अपना डॉक्यूमेंट के साथ आपको बैंक अकाउंट लेके आना है, यानी आपके डॉक्यूमेंट के साथ अपना बैंक अकाउंट लेके आना है, अगर पासबुक है या चेकबुक है तो आप लेके आ सकते हैं, ठीक है। अगले नेक्स्ट चलते हैं, तो COVID-19 को लेकर गवर्नमेंट के जो भी दिशा निर्देश हैं उनको फॉलो करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग बनानी होगी, सैनिटाइजर मास्क वगैरह ये सब आपको ले लगा कर आना होगा, ठीक है। अगले मैं बात करूँ, ये दे रखा है यह भर्ती पूरी तरह से निःशुल्क है, इसके लिए कंपनी कोई भी चार्ज नहीं लेती है, HSC मैन पावर द्वारा यह भर्ती कराई जा रही है। अगर कोई आपसे पैसे की मांग करता है तो उसके आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, कंपनी किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लेती है, और ना ही जो HSC मैन पावर द्वारा जो भर्ती जो लोग कराए जाते हैं वो किसी प्रकार से पैसे लेते हैं। कोई आपसे पैसे की मांग करता है तो उसके आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, उसको एक भी पैसा ना दें, ठीक है, ये आपका जो है खुद आपका निजी मामला है, आप किसी को भी एक पैसा ना दें, ठीक है। तो ये दे रखा है कॉन्टैक्ट नंबर, इस पर आपको करना है अपना रिज्यूम जो है सेंड, और करनी है इस पर कॉल, व्हाट्सएप के जरिए आपको इस नंबर पर अपना रिज्यूम सेंड करना होगा, ये लोग बताएंगे आप लोगों को कि आप लोगों को कहाँ पे आना है, किस जगह पे आना है, एड्रेस बताएंगे, और आपको जो है अपना रिज्यूम इसी नंबर पे सेंड करना है, फटाफट कर दीजिए बिना किसी देरी के, फटाफट, ठीक है, मेरे हिसाब से अभी कर दीजिए, टाइम अभी हो रहा है 11:55 हो रही है, और ये अभी अपडेट आई है, मैंने अभी जस्ट 5 मिनट में अभी अपडेट देखा है, और आप लोगों के लिए वीडियो शूट करके आप लोगों के पास प्रोवाइड करा रहा हूँ। प्लीज़ जल्दी से जल्दी कीजिए और अपना जो है रिज्यूम इसी नंबर पर सेंड कीजिए फटाफट। दोस्तों इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, 11 बज चुके हैं और मैं आप लोगों के लिए जो है जानकारी लेके आया हूँ, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़ फटाफट, एक लाइक करने से आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन जब आप लाइक करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ आप हमारे द्वारा जो भी कंटेंट आप लोगों के पास पहुँचाया जा रहा है वो आप लोगों को पसंद आ रहा है। अगर दोस्तों पसंद नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन आप अपना रिव्यू जरूर दें। चलिए बिना किसी देरी के नेक्स्ट चलते हैं सेकंड जॉब की अपडेट के बारे में, तो ये है सेकंड जो है पैडगेट इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ये कंपनी है, ये कहाँ पे है, A23 Sector 60 नोएडा इंडिया लिमिटेड। इसमें होता क्या है, इसमें भी दोस्तों मैं बताऊँ, इसमें मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, यानी इसमें क्या बनते हैं, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए है ये, ठीक है, कंपनी। और इसमें वर्क लोकेशन की बात करूँ कहाँ पे है, जो काम कराएगी कंपनी वो कंपनी कहाँ पे है, तो वो कंपनी है Sector 60 नोएडा में, ठीक है, कहाँ पे है, Sector 60 नोएडा में, ठीक है। कुछ आवश्यक सूचना है उसको मैं बता दूँ आप लोगों को, कि आपको जब इंटरव्यू कराया जाएगा तो आपको गवर्नमेंट के जो भी दिशा निर्देश हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, मास्क सैनिटाइज़र वगैरह, और जो आपका जो है कैंडिडेट का वैक्सीनेटेड होना अनिवार्य है, आपको वैक्सीन लगी होनी चाहिए, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेकर आप लोगों को आना अनिवार्य है, आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आप लोगों को लेके आना होगा, तभी कंपनी में आपको एंट्री मिलेगी, ठीक है। तो चलिए ये भर्ती जो है 7 जुलाई 2021 के लिए है, वेलमेन एम्प्लॉयमेंट इसमें भर्ती जो है कराने वाला है, इंटरव्यू जो आपका होगा कराएगा वो कौन कराएगा, वेलमेन एम्प्लॉयमेंट, ये किस कंपनी के लिए है, तो पैडगेट इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए।
पैड गेट इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड के लिए जो कंपनी है वो उसमें भर्ती है, इसमें मोबाइल बनते हैं। और ये इसका इंटरव्यू कौन कराएगा? वेलफेयर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। किस जगह पे आपका जो है मतलब ये जो कंपनी है वो कहाँ पे है? 823 सेक्टर 7 नोएडा, ठीक है। अब मैं इसमें बात करूँ क्वालिफिकेशन, क्या क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है आप लोगों के लिए। तो क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है, बेसिकली आपके पास अगर आईटी या डिप्लोमा है तो आप लोग इस कंपनी में जा सकते हैं। डिपार्टमेंट क्या है तो मैं डिपार्टमेंट की बात करूँ तो SMT डिपार्टमेंट के लिए दोस्तों ये भर्ती है। किस डिपार्टमेंट के लिए? SMT वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जिन SMT डिपार्टमेंट के लिए क्या है भर्ती, ठीक है। ट्रेड कौन कौन सी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स और वो सॉरी आईटीआई और डिप्लोमा वालों के लिए ट्रेड कौन कौन सी होनी चाहिए? तो ट्रेड की मैं बात कर लूँ तो ट्रेड आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, या इलेक्ट्रीसियन है, या कंप्यूटर साइंस है, ये सभी लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। यानी कि SMT डिपार्टमेंट के लिए ये सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डिप्लोमा वाले ख़ासतौर से डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन इसमें मेन रखी गई है, यानी कि IT डिप्लोमा वाले जो है इसमें जा सकते हैं, वो भी SMT डिपार्टमेंट के लिए। अब मैं सैलरी की बात कर लूँ, सैलरी की बात करूँ तो ये है आपके ITI की सैलरी। जो लोग ITI से जाएंगे उनके लिए सैलरी क्या है? तो ग्रॉस सैलरी आपकी ये है 9,985 रुपये, और इसमें इन हैंड जो सैलरी होगी आपकी लगभग 8,000 के लगभग आप लोगों को पड़ जाएगी इसमें, ठीक है। अब मैं बात करूँ सैलरी फॉर डिप्लोमा, डिप्लोमा वालों के लिए क्या सैलरी है? तो डिप्लोमा वालों के लिए सैलरी इसमें बढ़ के है, यानी 11,185 रुपये डिप्लोमा वालों के लिए इसमें दिए जाएंगे, ठीक है। डिप्लोमा वाले ज़्यादा मेहनत करते हैं तो इसलिए डिप्लोमा वालों को इसमें अच्छी सैलरी मिलेगी, और ITI वालों के लिए थोड़ी कम सैलरी है। ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ी जानकारी का फ़र्क होता है, क्योंकि डिप्लोमा वालों को ITI वालों से कुछ थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज होती है, तो इसलिए उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ तो इसमें दे रखा है क्वारंटाइली अवार्ड 3 मंथ 3,000 रुपये, यानी कि क्वारंटाइली अवार्ड आप लोगों को दिया जाएगा। वो क्या होगा? 3,000 रुपये आप लोगों का जो है इसमें दिया जाएगा 3 महीने का, ठीक है। प्लस इसमें सिंगल ओवर टाइम है, डबल ओवर टाइम नहीं है दोस्तों। इसमें जो ओवर टाइम है वो है आप लोगों के लिए सिंगल ओवर टाइम है। क्या है? सिंगल ओवर टाइम है। ओवर टाइम कैसा है? सिंगल। लंच और डिनर की सुविधा इसमें है तो सही है, लेकिन उसमें आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? चार्ज देना पड़ेगा कंपनी को। क्या देना पड़ेगा? चार्ज। क्या देना पड़ेगा? चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। अब यह है, ये कंपनी को मैं बता दूँ, ये जो पेडगेट इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, मोबाइल बनते हैं, ये इसकी जो इंटरव्यू जो कराएंगे वो कौन कराएंगे? तो वेलमैन एम्प्लॉयमेंट के द्वारा इसका इंटरव्यू कराया जाएगा, और यही भर्ती जो है करा रहे हैं, ठीक है। इसमें जो न्यूनतम दूरी है वो 200 किलोमीटर है नोएडा से, और इंटरव्यू डेट की मैं बात करूँ तो 7 जुलाई 2020, यानी कि कल आपका सुबह इंटरव्यू कराया जाएगा सुबह 7:30 बजे, ठीक है। 7:30 पर आप लोगों का क्या होगा? इंटरव्यू। तो फटाफट पहुँच जाइए दोस्तों और इंटरव्यू दीजिए फटाफट। और इंटरव्यू में जो आपका जो भी इंटरव्यूअर जो आपसे सवाल पूछे उसका फटाफट आंसर दीजिए, अच्छा क्वेश्चन मतलब अच्छे से उस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, और अपना जो रिज्यूम है एकदम परफेक्टली एकदम प्रोफेशनल बना के ले जाइए, जिससे जो यहाँ पे इंटरव्यू लेने वाले हैं वो खुश हो जाए आपसे। तो अपना जो है रिज्यूम भी थोड़ा अच्छा बना कर ले जाइए, और उसमें हर वो चीज़ लिखिए जो आप जानते हैं या आपने किसी भी कंपनी में जॉब किया है। इससे जो है इंटरव्यू जो रहता है उस पर थोड़ा अच्छा असर पड़ता है, वो जानता है कि आपने पहले भी किसी कंपनी में जॉब की है और आप जानकारी जो है रखते हैं, ठीक है। तो अपने रिज्यूम में इस ये सारी चीज़ ज़रूर लिखें। अब मैं बात करूँ इंटरव्यू एड्रेस की, तो कहाँ होगा ये इंटरव्यू? तो इंटरव्यू जो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, इंटरव्यू एड्रेस ये दे रखा है, ठीक है। ये है इंटरव्यू एड्रेस, इस इंटरव्यू एड्रेस को आप नोट भी कर सकते हैं। नोट नहीं करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से स्क्रीन शॉट ले सकते हैं और आप इस एड्रेस पर जा सकते हैं। आप इस पर गूगल पर सर्च करेंगे फटाफट आप उसी जगह पर पहुँच जाएंगे जहाँ पे इस इंटरव्यू कराया जाएगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है नीचे, कॉन्टैक्ट अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कॉन्टैक्ट नंबर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है वेलमैन एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है। कोई दिक्कत आती है तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप जो है व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं सनवाड़ा कंपनी में, यह है तीसरे नंबर की कंपनी, इसके बारे में बात करने वाला हूँ। ये तीसरे नंबर की कंपनी है, इसके बारे में बात करने वाला हूँ। सनवाड़ा कौन सी कंपनी है? सनवाड़ा कंपनी है, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? सूरजपुर ग्रेटर नोएडा में, ये भी कंपनी है, इसमें भी जॉब निकाली गई है सनवाड़ा में, ठीक है। तो बिना किसी टेंशन के आप लोग इस कंपनी में भी जा सकते हैं, सूरजपुर ग्रेटर नोएडा में है ये सनवाड़ा कंपनी, ठीक है।
तो चलिए इसमें मैं बता दूं, ये लड़कों के लिए इसमें सिर्फ 200 जॉब निकाली गई है। इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लड़कियां इसमें नहीं जा पाएंगी। और इसमें मात्र जो क्वांटिटी है वो मात्र 100 लोगों के लिए है। 100 लोगों के लिए इसमें जो है जॉब निकाली गई है। कितने लोगों के लिए? 100 लोगों के लिए। जो भी लोग हैं 100 लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्वांटिटी मात्र 100 है। इंटरव्यू के लिए आप लोगों को जाना है तो इंटरव्यू के लिए गवर्नमेंट के जो भी दिशा निर्देश हैं उनको फॉलो करना है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह, सैनिटाइजर वगैरह आपको जो है लगा के जाना है, ठीक है। कैंडिडेट का इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये है कैंडिडेट का वैक्सीनेटेड होना अनिवार्य है और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेकर आना अनिवार्य है। आपको जो है वैक्सीनेशन जो है सर्टिफिकेट लेके आना होगा, इसलिए आप अपनी वैक्सीन नहीं लगवाइए तो लगवा लीजिए फटाफट, ठीक है। इसमें दे रखा है यह भर्ती उन कैंडिडेट्सों के लिए है जो ग्रेटर नोएडा या सूरजपुर में रह रहे हैं। क्या ये कंपनी जो भर्ती निकालेगी वो किन के लिए है? जो सूरजपुर या ग्रेटर नोएडा में जो रह रहे हैं उन लोगों के लिए, ठीक है। वो फटा तो आपके जो भी साथी हैं, जो भी लोग हैं वो ग्रेटर नोएडा में अभी फिलहाल में रह रहे हैं, तो उनको फटाफट ये वीडियो शेयर कर दीजिए। फटाफट दोस्तों, फटाफट से वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे कि उन्हें सनवाड़ा कंपनी की में जाने जो जॉब काफ़ी दिनों से जॉब ढूंढ रहे हैं वो फटाफट उन्हें जॉब मिल जाए। तो फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मैं आपसे बिल्कुल भी कोई पैसे वैसे नहीं मांग रहा, बट मैं शेयर मांग रहा हूँ दोस्तों। आप वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि उन्हें जॉब की ज़रूरत है, तो आप लोगों को वीडियो उनको शेयर कर देनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें आगे दे रखा है, इसमें जॉब जो आपकी जो है कंपनी में जो आपका जो इंटरव्यू होगा वो कब होगा? वो होगा 7 तारीख को। कितनी तारीख को? 7 तारीख को इसमें आप लोगों का इंटरव्यू होगा। और ये इंटरव्यू कौन कराएगा? इंटरव्यू आप लोगों को कराएगा बेलमैन एम्प्लॉयमेंट इंडिया, ठीक है, जो कि सनवाड़ा कंपनी के लिए है, ठीक है। अब मैं इसमें बात करूँ सैलरी क्या होगी। तो सैलरी दोस्तों आप लोगों की होगी, वो होगी ये कितनी है? 10,134 रुपये। क्या है? 10,134 रुपये। टेक होम सैलरी कितनी है आपकी? 8,901 रुपये। क्या है? 8,901 रुपये। अटेंडेंस अवार्ड की मैं बात कर लूँ, अटेंडेंस अवार्ड कितना है आप लोग का? अटेंडेंस अवार्ड है यहाँ पे 1,000 रुपये। क्या है अटेंडेंस अवार्ड? क्या है? 1,000 रुपये। क्या है? 1,000 रुपये। अटेंडेंस अवार्ड क्या है आप लोगों का? 1,000 रुपये। नाइट अलाउंस कितना है? नाइट अलाउंस है आप लोगों का 50 रुपये पर नाइट के हिसाब से। नाइट अलाउंस क्या है? नाइट अलाउंस है 50 रुपये पर नाइट से। इसमें ओवर टाइम दोस्तों आप लोगों के लिए प्लस ओवर टाइम भी दे रखा है नाइट अलाउंस के साथ। तो ये है ओवर टाइम क्या है? डबल आप लोगों को क्या है? डबल ओवर टाइम दे रखा है, ठीक है। जो आपका जो है ओवर टाइम क्या है? डबल। एजुकेशन की रिक्वायर्ड की बात करूँ, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है? तो 12th वाले भाई इसमें जा सकते हैं। जिन लोगों के पास 12वीं है या 12वीं पास कर रखी है उन्होंने, तो वो सभी लोग इसमें जा सकते हैं। 12वीं है, ITI है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन है, जो भी आपके पास है आप इस कंपनी में अवेलेबल हैं जाने के लिए, ठीक है। तो 12th पास वाले लोग काफ़ी दिनों से मैसेज करते हैं कि 12th वालों के लिए जॉब निकली है कि नहीं निकली। भाई निकल चुकी है जॉब, जल्दी से आ जाइए, फटाफट इस कंपनी में सनवाड़ा कंपनी में चले जाइए। और कम से कम 9,000 रुपये या 10,000 रुपये आप लोगों की सैलरी 8 घंटे की होगी मात्र। तो आप लोगों को इसमें जो है काफ़ी अच्छी सैलरी मिलने वाली है। तो फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास, जिन लोगों को जो है 12th जिन्होंने कर रखी है और जॉब की ज़रूरत है, जो कि ग्रेटर नोएडा में अभी फ़िलहाल में रह रहे हैं, तो उनको फटाफट से ये वीडियो शेयर कर दीजिए। क्योंकि ITI वालों के लिए या 12th ITI डिप्लोमा ग्रेजुएशन वालों के लिए जॉब निकल चुकी हैं। और ये फ्रेशर वालों के लिए दोस्तों देखो ये बहुत मस्त पॉइंट है, ये दे रखा है फ्रेशर ओनली, यानी जो लोग फ्रेशर हैं, जिन लोगों ने अभी तक किसी कंपनी में जॉब नहीं की है वो इसमें अवेलेबल है जाने के लिए सनवाड़ा कंपनी में। तो फटाफट दोस्तों अब तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो लोग फ्रेशर हैं आपके, चाहे कोई भी दोस्त हों, यार हों, भाई बहन कोई भी हो जो अभी वहाँ रह रहे हों, उपस्थित हों, तो वो फटाफट इस कंपनी में कल जा सकते हैं, सुबह 7:30 बजे इंटरव्यू दे सकते हैं। तो जल्दी से फटाफट उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। फ्रेशर होने चाहिए दोस्तों इसमें कंपनी में, फ्रेशर मांगे हैं, फ्रेशर भी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और 12th ITI डिप्लोमा ग्रेजुएशन वाले लोग मांगे गए हैं इसमें, ठीक है। तो ये तो अच्छी बात है दोस्तों। अब मैं इसमें बात करूँ, अकाउंट के साथ आपको बैंक की डिटेल लेके आना होगा, ठीक है। अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो आप इसमें लेके आ सकते हैं। जैसे मैंने बताया ये कंपनी किस सनवाड़ा कंपनी में जो जॉब निकालेंगी उसका इंटरव्यू कौन कराएगा? तो उसका इंटरव्यू कराएगा वेलमैन एम्प्लॉयमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ये इसमें क्या कराएगा इंटरव्यू? न्यूनतम दूरी दे रखी है 300 किलोमीटर, ये कोई मायने नहीं है, कोई वैसे ये लोग लिखते थे थोड़ा।
और इंटरव्यू जो आपका होगा वो होगा आपको 7 बजे होगा, सुबह 7 बजे, ठीक है। तो फटाफट जिन लोगों को सनवाड़ा कंपनी में जॉब लेनी है तो वो वीडियो को अभी फटाफट शेयर कर दीजिए, जिससे उन्हें जो है सुबह जाने में आसानी हो सके। 7 तारीख यानी कि कल सुबह आपका इंटरव्यू कराया जाएगा। इंटरव्यू एड्रेस बता दूँ एक बार, इंटरव्यू एड्रेस क्या है, इंटरव्यू एड्रेस ये रखा है, फुल एड्रेस आप लोगों के पास, ठीक है। इस एड्रेस पे आप लोगों को जाना है, इस एड्रेस को आप चाहे नोट कर सकते हैं या वीडियो के माध्यम से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। फटाफट ले लीजिए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेलमैन इम्प्लीमेंट में भर्ती है, ठीक है, यानी कि सनवाड़ा कंपनी में भर्ती है। वेलमैन इम्प्लीमेंट द्वारा ये क्या कराया जा रहा है, इसमें इंटरव्यू, और एड्रेस में क्या है, WP02 ब्लॉक नियर गेट नंबर 8 सेक्टर 71 नोएडा में, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या होगा, इंटरव्यू कराया जाएगा, ठीक है। अगली में बात करूँ दोस्तों, अगर ये आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसी जॉब लाता रहता हूँ, आपका जो यूट्यूब चैनल, जो आपका ये आपका परिवार है, आपका परिवार मतलब मैं आप लोगों के काफ़ी दिनों से आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ, आप लोगों की हर अपडेट से रूबरू कराता हूँ। जो भी कंपनी है, चाहे 2-3 कंपनी, किसी भी कंपनी में जॉब निकलती है नोएडा में, मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से देता हूँ। हाँ अगर दोस्तों मैं कभी कभी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ पर मैं पोस्ट शेयर कर देता हूँ, वहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं और आप जो है इंटरव्यू देने के लिए जा सकते हैं। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो फटाफट से हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। फटाफट से ग्रुप में होने के लिए, ज्वाइन होने के लिए आप लिंक पर क्लिक करेंगे, आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये आपका चैनल है, अपना चैनल है। धन्यवाद।